बच्चों, अब आप अपनी मैथ्स की बुक ओपन करिए। मैथ्स में चैप्टर 1 नंबर्स अप टू 100, इसमें आज पेज नंबर 6, कौन सा पेज है? पेज नंबर 6 आपको ओपन करना है। पेज नंबर 6 पर है, आप ये देखिए बुक, क्वेश्चन नंबर 4 ये ऊपर लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग। अब आप ये देखिए कि आपको ये पूरी पिक्चर देखनी है, इसे रीड करके ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट आपको करने हैं। ओके, आप ये देखिए, इसमें रीड द फॉलोइंग इन अ फैमिली, ये फैमिली है। आप ये देखिए, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेंबर्स हैं, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड 2 चिल्ड्रन। अब आप इसे देखिए, इन अ फैमिली, फैमिली में क्या है, इसको रीड करिए। देखिए, द ग्रैंडफादर इज 75 ईयर्स ओल्ड। ग्रैंडफादर जो हैं, यानी कि दादाजी, वो कितने ईयर्स के हैं? 75 ईयर्स के। द ग्रैंड मदर इज 72 ईयर्स ओल्ड। और जो ग्रैंड मदर है, यानी कि जो दादी हैं, वो कितने ईयर्स की हैं? 72 ईयर्स की। अनुज इज 10 ईयर्स ओल्ड। इस पिक्चर में जो एक बॉय दिख रहा है, एक बच्चा, वो कितने ईयर्स का है? 10 ईयर्स का। उसके बाद द फादर इज 45 ईयर्स ओल्ड। और जो बच्चों के जो फादर हैं, वो कितने ईयर्स के हैं? 45 ईयर्स के। द मदर इज 43 ईयर्स ओल्ड। और जो उन बच्चों की मदर है, मम्मी है, वो 43 ईयर्स की है। और वंशिका इज 8 ईयर्स ओल्ड। और जो इसमें पिक्चर में आप ये देख रहे हैं, ये वंशिका, ये छोटी बच्ची, ये कितने ईयर्स की है? 8 ईयर्स की। तो अब आपको पूरी फैमिली की एज के बारे में पता चला कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। आप इसमें देखिए, अब ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में नंबर ए पर क्या है? द इज द एल्डेस्ट अमॉन्ग ऑल। द फिर डैश इज द एल्डेस्ट अमॉन्ग ऑल, इसमें क्या आएगा? यानी कि ये जो फैमिली है, इसमें सबसे बड़े कौन हैं? नंबर ए में आप लिखिए ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ए वाले पॉइंट में क्या आएगा? ग्रैंडफादर, यानी कि सबसे एल्डेस्ट, सबसे बड़े कौन है फैमिली में? ग्रैंडफादर, दादाजी। अब बी पर देखिए, इज द यंगेस्ट अमॉन्ग ऑल, ये पूरी फैमिली में सबसे छोटा कौन है? नंबर बी पर देखिए वंशिका, क्या है बी पर? क्या है? वंशिका, क्योंकि इस फैमिली में सबसे छोटा कौन है? तो वंशिका है वो। अब नंबर सी, द इज एल्डर देन द ग्रैंड मदर। अब पूरी फैमिली में ग्रैंड मदर से एल्डर, यानी कि बड़ा कौन है? नंबर सी में क्या आएगा? ग्रैंड फादर। पूरी फैमिली ग्रैंड मदर से बड़ा कौन है? ग्रैंड फादर। अब डी वाला देखिए, इज यंगर देन अनुज। अनुज से, अनुज जो लड़का है इस फैमिली में, उससे छोटा कौन है? कौन है उससे छोटा? अब बी वाले में लिखिए वंशिका। इस फैमिली में सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? वंशिका। सबसे छोटी कौन है? वंशिका। द फादर इज देन द मदर। अब जो ये बच्चे हैं अनुज और वंशिका, उनके फादर उनकी मदर से बड़े हैं या छोटे हैं? क्या आएगा? एल्डर, क्योंकि फादर जो है वो मदर से बड़े हैं। तो बच्चों, आप ये पॉइंट, ये वर्ड्स इसमें बुक में लिखिए, ऐसे देखिए जैसे ये मैंने लिखा है, मैंने इसमें ये लिखा है सब, आप भी इसी तरीके से लिखिए। अब प्लेस वैल्यू,
ये आपके फिलिंग ऑफ ब्लैंक्स हो गए। फिलिंग द ब्लैंक्स आपके कंप्लीट हो गए। अब देखिए, अब हम क्या पढ़ेंगे, प्लेस वैल्यू यानी कि जगह की कीमत की को क्या चीज कौन सी जगह पर है, कौन सा डिजिट किस जगह पर है। जैसे लेट अस टेक द नंबर्स 45 एंड 54। दीज नंबर्स हैव टू डिजिट्स, दे आर प्लेस्ड इन डिफरेंट पोजिशन। द पोजिशन ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज कॉल्ड इट्स प्लेस वैल्यू। डिजिट की जो पोजिशन होती है वही उसकी प्लेस वैल्यू होती है। जैसे आप ये देखिए, ये क्या है 45, तो इसमें कितने डिजिट है, टू डिजिट, 1 एंड 2। ओके, अब ये देखिए 4 जो डिजिट है ये किस कौन सा किसका डिजिट है, ये है 10s का और 5 1s का। तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 1s, और 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 10s, क्योंकि वो 10s की जगह पर है और 5 1s की जगह पर है। तो 4 10s and 5, दो ये देखिए आप 4 10s and 5 1s इसी का जो 4 10s यानी कि 40 और 5 1s यानी कि 5 45। तो ये क्या हो जाएगा 40 प्लस 5 इसी का जो 45। इसको हम कैसे लिखेंगे, 4 and 5 45। तो इसमें 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 10s, और 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1s। तो इसी तरह से आपको डिजिट की प्लेस वैल्यू बतानी है कि कौन सा डिजिट टेंस में आ रहा है, कौन सा डिजिट वंस में है, कौन सा डिजिट 100 में है। अगर नंबर 2 डिजिट का है तो उसमें टेंस और वंस से दो प्लेस आएंगे, अगर नंबर 3 डिजिट का है तो उसमें 3 प्लेस आएंगे। आप ये देखिए, इसमें बुक में आप अपनी देखिए, हियर 4 10s and 5 1s मेक 45। 4 10s and 5 1s, जैसे मैंने आपको अभी बोर्ड पर बताया था कि 4 10s and 5 1s मेक 45। 4 10s and 5 1s मेक 45। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, इन 45 4 इज इन 10s प्लेस, आप देखिए 45 में 4 की जो प्लेस वैल्यू है वो किसमें है, 10s में। अगर 4 की 10s में तो 5 की किसमें होगी, 1s में। अब देखिए मैं आपको एक नंबर और समझाती हूँ, ठीक है। अब ये देखिए 69, अब ये देखिए 69, इसमें ये 9 नंबर की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है और 6 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, और इसको हम कैसे रीड करेंगे, 60 यानी कि ये नंबर किसका हो गया, 10s का, और ये 9 1s का। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 1s, 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 10s, क्योंकि वो 10s का नंबर है और 9 जो है वो 1s का नंबर है। बस इसी तरह से आपको नंबर्स की प्लेस वैल्यू लिखनी है। अब आप अपने पेज नंबर 7 पर आइए, देखिए ये है पेज नंबर 7, ये वाली एक्सरसाइज आपको करनी है। आप ये एक्सरसाइज कैसे करेंगे, ये देखिए, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ
वैल्यू लिखनी है 8 in 78, ये ए वाला है आपका 8 in 78। इसमें हमें प्लेस वैल्यू की ये टू डिजिट है 7 और 8। अब इसमें हमें 8 की प्लेस वैल्यू लिखनी है कि 8 कौन सी जगह पर है। अब ये टू डिजिट का नंबर है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे 78, यानी कि 70 तो आ गया टेंस में, 70 टेंस में आ गया, और 8 किस में आ रहा वंस में, तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई वंस, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे वंस। अब बी वाला देखिए 2 in 28। अब आप ये देखिए इसमें 2 की प्लेस वैल्यू आपको बतानी है कि 28 में 2 किसमें है, टेंस में है या वंस में है। आप ये देखिए नीचे टेंस में, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई टेंस। अब सी 4 in 64। अब इसमें आपको 4 की प्लेस वैल्यू बतानी है, नंबर क्या है 64, तो 64 में 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 4 किस में आ रहा है वंस में, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हुई वंस। और लास्ट में 5 in 56, डी वाला आप देखिए 5 in 56। अब 56 में 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 5 किस लाइन में आ रहा है टेंस में आ रहा है या वंस में आ रहा है, तो आप देखिए 5 भी टेंस में आ रहा है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई टेंस। अब आपको समझ में आया। और बच्चों आप अपनी मैथ की बुक देखिए पेज नंबर 7 पर ये एक्सरसाइज है एडिशन, आप इस पर पहले तो आप इस पर डेट डालेंगे सबसे ऊपर पेज नंबर 6 पर। देखिए पेज नंबर 6 पर आप ऐसे लिखेंगे, ऊपर डेट डालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे CW, और उसके बाद पेज नंबर 7 पर ये जो एडिशन है यानी कि प्लस के सम्स है यहाँ पर आप लिखेंगे HW। ये जो सम्स है ये आपको होमवर्क में करने हैं, आप ध्यान से इसको देखिए, ये जो प्लस ये एडिशन के सम्स हैं ये आपको होमवर्क में करने हैं।